वैसे तो भारत की ग्रोथ स्टोरी का लोहा हर बड़ी रेटिंग एजेंसी मान चुकी है। देश की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था पर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। भारत की ग्रोथ के मद्देनजर दुनिया की दिग्गज कंपनियां देश में अपना कारोबार फैलाने में लगी हुई है, मगर अब भारत को लेकर एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ गई है जो आने वाले समय में कई सेक्टर्स के लिए परेशानी बनकर उभर सकती है। असल में मूडीज ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें देश में बढ़ती पानी की कमी से इकोनॉमिक ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। साथ ही इस वजह से भारत के कौन से सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा उसका भी जिक्र किया गया है। तो चलिए आपको इस मामले से जुड़ी तमाम जानकारियां बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं ईशा मालवीय और आप देख रहे हैं बिस्तर। इस साल देश ने गर्मी का प्रचंड प्रकोप देखा। देश के कई हिस्सों में लोग पानी की किल्लत से परेशान हुए। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में पानी की बढ़ती कमी के चलते जनता ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ऐसे में मूडीज की रिपोर्ट ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंता जाहिर की है जिसका सीधा कनेक्शन पानी की कमी से है। मूडीज के मुताबिक भारत में बढ़ती पानी की कमी एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकती है, जो देश के क्रेडिट हेल्थ के लिहाज से अच्छी खबर नहीं है। मूडीज के मुताबिक पानी की कमी के कारण भारत में फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, साथ ही लोगों की इनकम में गिरावट आ सकती है जिससे सामाजिक अशांति पैदा होने का भी डर है। इसके अलावा पानी की कमी उन सेक्टर्स की क्रेडिट हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर पानी का इस्तेमाल होता है। इनमें कोल बेस्ड पावर जनरेशन और स्टील प्रोडक्शन जैसी इंडस्ट्रीज शामिल हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि क्लाइमेट चेंज के कारण आने वाले दिनों में भारत के लिए पानी की उपलब्धता बनाए रखने की चुनौती और बढ़ने के आसार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता पहले से ही कम है। ऐसे में तेज रफ्तार से हो रहे आर्थिक विकास, इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन की वजह से पानी की खपत तेजी से बढ़ रही है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत सरकार के जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारत में पानी की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता 2021 में महज 1486 क्यूबिक मीटर थी, जो 2031 तक 1367 क्यूबिक मीटर रह जाने की आशंका है। मंत्रालय के मुताबिक पानी की प्रति व्यक्ति औसत उपलब्धता अगर 1700 क्यूबिक मीटर से कम है तो ये पानी की कमी की तरफ इशारा करता है, जबकि प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता अगर 1000 क्यूबिक मीटर से नीचे चली जाए तो ये जल संकट जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। आगे मूडीज ने जल संकट से निजात पाने के लिए समाधान भी बताए हैं। मूडीज के मुताबिक सरकार द्वारा अगर वाटर मैनेजमेंट में बड़े पैमाने पर निवेश किया जाता है तभी पानी की बढ़ती कमी को रोका जा सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर रही है और रिन्यूएबल एनर्जी के विकास के लिए भी कई अहम कदम उठा रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये कोशिशें हमको जल संकट से थोड़ा दूर ले जाएगी। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बिजनेस जगत की ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए बिस्तर के साथ। बिस्तर आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तर के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।